हेलो जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। चलो जी, एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट और मैं हूँ मुक्तेश्वर क्षेत्र का रहने वाला। तो आज का कैसा मौसम है हमारे क्षेत्र मुक्तेश्वर का, चलिए सबसे पहले आपको हमारे पहाड़ों का सीन दिखाता हूँ आज का। और आज का सीन ये रहने वाला है ना, आज मैं जाने वाला हूँ शीतला की तरफ। शीतला में एक जगह है सतखोल और वहाँ पे है आरोही आरोग्य केंद्र। एक बढ़िया हॉस्पिटल है जहाँ पे ना विदेशों से भी डॉक्टर आते हैं और इलाज वगैरह करते हैं यहाँ के लोगों का, और जो उस तरफ का क्षेत्र है ना उनको भी काफ़ी आसानी हो जाती है। तरफ को जाने वाला हूँ, आपको ले चलूँगा और शानदार से सीन्स भी दिखाऊँगा। ये कुछ देर में होने वाला है सीन, अभी तो घर ही पर हूँ फिलहाल, थोड़ी देर में चलने वाला हूँ और क्यों जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा वीडियो पर। तो तब तक का ना, आप हम लोग हैं पहाड़ी, पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तब तक थोड़े बहुत आप नेचर के शॉट इन्जॉय करिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या सीन रहने वाला है पूरा। और आजकल ना जैसे ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ हो गया, यहाँ पे ये पेड़ है, तो फलों के जो पेड़ हैं आड़ू और पुलम, तो उन पे फूल आने लगे हैं, पत्तियाँ आने लगी हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ घर से शीतला के लिए। शीतला सतखोल प्यूड़ा जो आरोही केंद्र है हमारा, वहाँ पर जाना है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी घुमा के लाता हूँ। एक्चुअली ना मेरा एक दोस्त है और दोस्त का ही काम वहाँ पे है, उसकी थोड़ा ना हाथ पे प्रॉब्लम थी, एक गांठ बन चुकी थी, गांठ की सर्जरी करा के लाया और आज थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह करनी है, तो इस चक्कर से हम लोग जा रहे हैं। और आज का मौसम, पहाड़ का मौसम देख रहे हो, बहुत प्यारा मौसम है आज का। बाकी ना चलते हैं, पहुँचता हूँ कसलिंग मार्केट पर, अपने दोस्त से भी मिलाता हूँ आपको और उसकी जो प्रॉब्लम है ना हाथ पे क्या हो रखा था वो भी शेयर करूँगा, जिस वजह से हम आज जा रहे हैं शीतला सतखोल प्यूड़ा पे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए किस किस लोगों को पता है आरोही आरोग्य केंद्र प्यूड़ा के बारे में। तो ओके बॉस, मैं पहुँच चुका हूँ कसलिंग मार्केट पर, फिलहाल अपनी लैंड के यहाँ पर हूँ, जस्ट यहाँ से नीचे अपनी लैंड जिसके बारे में मैंने वीडियो डाली थी कुछ समय पहले। मेन रोड है जहाँ से वो ट्रक जा रहा ना, ये मुक्तेश्वर का कोई टेंपल की तरफ, यहाँ पे जस्ट बालाजी, तो ना एकदम मेन मार्केट से लगी हुई अपनी प्रॉपर्टी है, जस्ट नीचे को ये पूरा अपना लैंड, पूरी अपनी लैंड, यहाँ पे अपना पुराना घर है नीचे। लोकेशन ठीक है, बढ़िया लोकेशन पर है, पूरी यहाँ से लगते हुए कसलिंग मार्केट, यहाँ पर आपका सुलभ शौचालय और सामने मुक्तेश्वर टेम्पल, चौली की जाली, हल्का सा हिमालय दिख रहा है। जो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना बस, यहाँ से सीधे ही जो ऊपर को रोड देख रहे हो, ये गई मुक्तेश्वर टेंपल के लिए, सामने साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड, अपना दोस्त भी आ चुका है पंकज ना, हम दोनों अब रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। जो मैं बता रहा था ना हाथ पे, तो हाथ की सर्जरी कराई थी, यहाँ पर थोड़ा गांठ टाइप की बन गई थी, जिसका काम किया हमने आरोही पे सर्जरी करी, आज ड्रेसिंग वगैरह के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी कैसा लग रहा है भाई, दर्द वर्द कैसा है? दर्द है ही, नॉर्मल है, अभी तो ठीक है। ठीक है ना, एक बहुत मोटी सी गांठ बन गई था ना, ड्रेसिंग करानी है, फिर टांके खुलेंगे 2 वीक बाद। तो हम दोनों का काफ़िला तैयार है यहाँ से निकलने के लिए, चलते हैं अब देखते हैं कौन से रास्ते से निकलते हैं। एक तो ओड़ा खान से जाया जाता है शीतला की तरफ, दूसरा मुक्तेश्वर टेंपल की तरफ से, अब देखते हैं रास्ते में डिस्कस हो जाएगा कौन से रास्ते निकलते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी राइड। दोस्तों हम ना मुक्तेश्वर के रास्ते होते हुए निकल रहे हैं, शीतला होते हुए जाएंगे IVRI के जंगल से होते हुए, काफ़ी घना जंगल भी है। अभी हम ना
पहुंचने वाले हैं। मैं बोलूंगा कि मुक्तेश्वर का सबसे पॉश एरिया ये है सरका खेत, इससे होते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम सारे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह यहीं पे हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल से पहले, IVRI के जंगल से पहले जो ये एरिया आता है ना सरका खेत, काफ़ी पॉश एरिया है दोस्तों ये मुक्तेश्वर क्षेत्र का। रोड के ऊपर नीचे ये सब जगह ना आपको बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह ये यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। तो दोस्तों अब यहाँ से ना हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे शीतला की तरफ, जो यहाँ पे ये गेट आ गया, इससे नीचे को जाएंगे शीतला की तरफ, ऊपर को ये गया मोहन मार्केट और मुक्तेश्वर टेम्पल की ओर। तो लगभग 7 किलोमीटर है यहाँ से, पूरा जंगल है, एकदम भयंकर जंगल, सुनसान एरिया, देख रहे हो ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं। अभी तो बस शुरुआत में हैं हम, जैसे जैसे अंदर घुसते जाएंगे ना काफ़ी अलग फील आने वाली है। बड़े बड़े देवदार के पेड़, बांज के पेड़, बुरांस के पेड़, काफ़ी घना जंगल है दोस्तों। अकेले जाने में ना इस रास्ते से वैसे ही डर लगेगा, देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। सामने जंगल देख रहे हो, ये मुक्तेश्वर क्षेत्र का ना IVRI का जंगल है, IVRI का जंगल बोला जाता है, बहुत घना जंगल है दोस्तों। और देख रहे हो सामने पूरा एकदम घना जंगल, कैसी आप लोगों को फील आ रही है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी लंबा रास्ता है जंगल से होते हुए है, तो आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। कुछ देर चलने के बाद ना अब जाके कुछ घर टाइप के दिखे हम लोगों को, ये सरकारी क्वार्टर हैं, जो यहाँ काम करते हैं ना IVRI के अंदर सरकारी लोग, तो उनके रहने के क्वार्टर्स हैं ये। बाकी ऊपर नीचे पूरा जंगली जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़, दिन में भी ना अकेले जाने में इस जंगल में डर लगता है, रात को तो छोड़ ही दो क्योंकि जंगली जानवर भी रहते हैं, इतना घना जंगल है। बहुत टाइम बाद इस रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं भी, और एक अलग ही फील आ रही है अभी। दोस्तों जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है पशुपालन का एरिया IVRI के अंदर, और देख रहे हो नीचे कितनी सारी गाय यहाँ पे चारा चर रही हैं अपना, बहुत सारी गाय हैं दोस्तों। और सामने का जो व्यू भी देख रहे हो, कितना ज़बरदस्त व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा एरिया है IVRI का भी, ये एक बहुत बड़ी संस्थान है। नीचे देखिए अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग, कुछ अलग ही फील आ रही है यहाँ से होते हुए निकलने में, देख रहे हो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। 7 किलोमीटर और रह गया शीतला। दोस्तों जिस मेन गेट से हम इस रास्ते में हमने एंट्री की ना, वहाँ से लेके अभी तक पूरा जंगल ही होते हुए हम निकल रहे हैं, काफ़ी घना जंगल, काफ़ी बड़ा जंगल, अलग ही इस समय हम जो चल रहे हैं ना, एक अलग ही लग रहा है माहौल। तो फ्रेंड एक जगह पे रुके हुए हैं ना इस जंगल सफारी को क्रॉस करते हुए, यहाँ से अभी शीतला देखते हैं कितना है, 2-3 किलोमीटर रह गया होगा, लेकिन जिस जगह पे अभी रुका हूँ यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार आ रहा है, एकदम मस्त। और जंगल सफारी आप लोगों को कैसी लग रही है, मैं भी बहुत टाइम बाद इस एरिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक अलग ही फील है, कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है, एकदम शौक सा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ गया एक जंगल को देख के ना। लेकिन आप यहाँ से व्यू चेक कर लीजिए जो अभी व्यू दिखा रहा हूँ आपको।
कैसा आप इंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना पूरा सीन, मेरे को भी अलग ही फील आ रहा है आज यहाँ से आके। एक मन में ना पॉजिटिव वाइब चल रही है। बाकी फ़िलहाल अभी रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे। और भी दो भाई हमारे यहाँ पे हैं बाइकर जो रुके हुए हैं क्योंकि सामने जेसीबी का काम चल रहा है, रोड को ठीक किया जा रहा है। बाकी ना फ्रेंड ये जो जंगल है ना बहुत ख़तरनाक जंगल है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। चलो जेसीबी हमें लाइन दे रही है, जगह दे रही है, मतलब कि निकल रहे हैं। दोस्तों अब जाके ना थोड़ा आबादी वाला एरिया आ गया है, लोगों के घर दिखने लगे हैं। अभी तक पूरा हमने जंगल क्रॉस किया, एकदम जंगल वाली जो फील है ना उसका मज़ा लिया। बाकी अब थोड़ा रिहायशी इलाके में हम आ चुके हैं, लोगों के घर होटल्स वगैरह इस एरिया में, इस एरिया से शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ा सा और रह गया, पहुँच जाते हैं हम प्यूड़ा आरोही आरोग्य केंद्र पर। बाकी जंगल सफारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फाइनली फ्रेंड पूरा जंगल सफारी का मज़ा लेते हुए और अपने ट्रैक को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं प्योड़ा आरोग्य आरोग्य केंद्र पे। भीड़ देख रहे हो वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना यहाँ पे फॉरेन से भी डॉक्टर्स आते हैं। यहाँ पे पहुँच तो गए हम लोग, लेकिन जो जंगल से होते हुए आए ना IVRI के शीतला होते हुए, तो वो एक अलग ही एडवेंचर, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब मन को फील हुई और काफ़ी मन खुश है अभी। तो चलते हैं ऊपर, भाई की ड्रेसिंग वेसिंग कराते हैं, देखते हैं क्या रहता है सीन। बहुत से जो स्वास्थ्य केंद्र है ना आरोही आरोग्य, तो इससे लोकली लोगों को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो जा रहा है। प्यूड़ा मोना जो आसपास के लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि फ़ौरन से डॉक्टर आ रहे हैं और अच्छा इलाज यहाँ पर होता है। चलो चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ रोड पे आप गाड़ियों पे देख के लगा सकते हो कितनी पब्लिक होगी यहाँ पे। तो चलिए जी कुछ हाईलाइट हैं यहाँ की। चलते हैं ऊपर और देखते हैं, बहुत पुराना है, लगभग जो पिछली बार आए थे ना 1992 में ये बना हुआ है। बाकी देखते हैं ऊपर, स्टेप्स देख रहे हो एकदम पुराने, बहुत बढ़िया यूनिक फील आ रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है अपना स्वास्थ्य केंद्र, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और पुराने ज़माने का टाइप का ना एक लुक दे रखा है इसको और बेहतरीन है एकदम। यहाँ पे दवा वितरण, एक्सरे, जो भी चीज़ें हैं ना सबका यहाँ पे इलाज होता है। और अभी आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ें। ये भी एक जो बिल्डिंग देख रहे हो इस तरफ ऊपर, यहाँ पे पेशेंट रहते हैं। बाकी एकदम पुराना टाइप का ढांचा, एक यूनिक लुक इसका नज़र आ रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है इस स्वास्थ्य केंद्र को। और इस तरफ को जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर ना यहाँ पर पर्ची सिस्टम होती है, पर्ची बनती है, पहले नाम वाम लिखाया जाता है क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सब नोट कराया जाता है, फिर जाके इलाज होता है। इस तरफ को देख रहे हो पुराने अंग्रेजों के ज़माने की जैसी बिल्डिंग बना रखी है, काफ़ी बढ़िया लुक इस बिल्डिंग का देखने में लग रहा है। और आप लोगों को क्या फील आ रही है कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये कुछ दान नामा है दोस्तों जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाने में मदद करी थी, पूरा एक यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया है, दीवार पे लिखे हुए हैं नाम।
आज ना बॉस यहाँ पे थोड़ी सुनसानी सी हो रखी है, क्योंकि जो शिविर लगता है ना यहाँ पे करीब एक हफ्ता, पाँच दिन, चार दिन, तो तब फौरन से यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और जो भी जिनकी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर उनका इलाज होता है। बाकी जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जिनका ऑपरेशन हो गया या जैसे भाई मेरे साथ आया है उसको ड्रेसिंग करानी है, वो बाकी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कर लेते हैं। बाकी कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, बहुत बढ़िया है ये, और भी आरोग्य केंद्र नज़दीक भी है अपना, फैसिलिटीज युक्त भी है। फिलहाल मैं अंदर आया था, यहाँ कोई भी नहीं है, देख रहे हो सुनसानी बहुत हो रखी है। पेशेंट जो हैं ऊपर ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ये अपना वार्ड एरिया है। डॉक्टर्स के बिना बहुत ही चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं देख रहे हो, सीजर वीजर पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, बेड वेड लगे हैं यहाँ पे। तो चलो, हमने तो ड्रेसिंग वगैरह करानी है, वो तो हो ही जाएगी। और ये चेक करिए, ये कब बना था, क्या बना था, वो पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है इस आरोही आरोग्य केंद्र के बारे में। लगभग 1992 के में बना हुआ है, 17 अगस्त, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है दोस्तों। तो फाइनेंस है, जिस काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे ना, वो काम हो चुका है। फिलहाल फिर से हम रोड पे आ चुके हैं। भाई के हाथ में सुबह जो आपने पट्टी देखी, पूरा कवर हो रखा था हाथ, अभी ड्रेसिंग करके ना एक सिंगल सी पट्टी वहाँ पर कर दी है, बाकी रिलैक्स हो चुका है, थोड़ी बहुत दवाई वगैरह मिल चुकी हैं। तो दो एक हफ्ते बाद ना फिर से जो टाँके वाँके लगे हैं उस पर वो कटेंगे। बाकी घूमते घामते पूरे माहौल को एंजॉय करते हुए ना, जो हमारा काम था वो भी सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब सीन ये है, अब चलेंगे हम धीरे धीरे घर की तरफ को, क्योंकि अपना काम तो हो ही गया है। बाकी पूरा सीन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा।